नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज मेरे इस इंस्टाग्राम पे सबका लाइव में स्वागत करता हूँ। आज 12 फरवरी 2022, मैंने कहा था 9 बजे आऊँगा, थोड़ा लेट हो गया हूँ। जो भी आए पहले बताए, आवाज़ आ रही है क्या? इज ऑडिबल? क्लियर वॉइस, धन्यवाद सर, एम एस कॉलेज जी, धन्यवाद। तो धन्यवाद ध्रुव राठौड़ जी। तो दोस्तों, कल मैंने कहा था आपको कि मैं आज मेरे इस लाइव पे 6D के, सिक्स डायमेंशन के बारे में बात करूँगा। ऋषेश बोरा जी धन्यवाद, वॉइस ओके धन्यवाद, मीरज मेहरा जी धन्यवाद, लोकेश जी धन्यवाद ऑडिबल। तो जैसे मैंने कल एक मेरे जो बंगाल की मैडम थी उनके साथ मैंने उन्होंने कल सब्जेक्ट निकाला शंबाला का, इसकी वजह से मैंने वहाँ पे सिक्स डायमेंशन की बात की। भीम बुजारी नमस्कार। मैं एक्चुअली सिक्स डायमेंशन के बारे में अभी नहीं बताने वाला था, क्योंकि क्या है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप मेडिटेशन का वो जो टेक्निक है, प्लीज़ यहाँ पे अब डायमेंशन के सिवा और कोई फालतू सब्जेक्ट ना करें। मैं पहले बता देता हूँ, सिर्फ डायमेंशंस और मेडिटेशंस के बारे में बात करनी है तो करें, अभी कोई बाकी के चीज़ों के बारे में बात करने आया नहीं हूँ। हेलो हेलो। तो दोस्तों, कल जैसे मैंने वहाँ पे सिक्स डायमेंशन की बात की, मैं करने नहीं वाला था एक्चुअली, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आपको वो सब एक्सपीरियंस जो रहता है स्टार्ट का, एक्चुअली नसीब है कि आप पोर्टल्स खुले हुए हैं, और उसकी वजह से जो चीज़ आपको, जो हमें चीज़ करने के लिए कम से कम साल दो साल लग गए वो समझने के लिए, वो चीज़ आपको विद इन 1 to 2 weeks में आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं 1 से 2 वीक में। तो जब तक आप एक दो हफ्ते इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं अभी कमेंट सेक्शन है ना, मैं बंद कर रहा हूँ क्या। हाँ, अब मैं कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है, अब मैं कोई कमेंट में देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है उस कमेंट्स की वजह से, और कुछ बच्चे हैं यहाँ पे तो उसकी वजह से क्या है, वो कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। खास करके मेरा कल का वीडियो वो QVV जो है ना, उसके वहाँ पे किसी ने तो भी डाला, और वहाँ पे एक था कोई तो भी, उसने कमेंट किया ये क्या नालायक आदमी है, बेवकूफ़ आदमी, ऐसे कुछ तो भी कहा, तो मैंने ग्रुप छोड़ दिया। जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, ये चीज़ें इल्यूमिनाटी के ग्रुप में, फ्री मेसन में ये सिखाई जाती है। जैसे आप जाते हैं वो अलग अलग कोई को नहीं, श्री श्री रविशंकर हो गया, या फिर वो रामदेव बाबा के मेडिटेशन में, या फिर वो उन्हें पकड़े वाला, उसका हर बार में नाम भूल जाता हूँ, उनके यहाँ पे, या फिर ओशो में जाते हो, या फिर आप ओम शांति में जाते हो, या फिर आप इसका कहीं और जाते जहाँ पर मेडिटेशन करने, वहाँ पे आप पैसे देके 25-25 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये देके, लाख रुपये देके आप वो ट्रेनिंग करने जाते हो, और फिर भी वो आपको सिखाते नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जिसने सिखा दी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ सिखा दी तो ख़त्म, आपका जीवन का मुक्ति का मार्ग है ये। आपको किस तरह से अनपेड फुल टाइम हैप्पीनेस जो है वो इसमें से आती है, क्योंकि डायमेंशन जब आप जाते हैं, फर्स्ट डायमेंशन इज योर DNA, RNA, क्रोमोसोम, जीनोम कोड, सेकंड डायमेंशन इज प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे जो है ये सेकंड डायमेंशन में आते हैं, और ये एनर्जेटिकली स्पिरिचुअल एनर्जेटिकली अपने पृथ्वी के मैग्नेटिक के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन रखता है, ये उस वाइब्रेशन को फील करते हैं। थर्ड आता है आपका प्रेजेंट, ये जो है मेटरलिस्टिक वर्ल्ड, ये जो है जहाँ पे अभी आप जी रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट डायमेंशन सेकंड डायमेंशन मिला के प्रेजेंट सिचुएशन जो आ रही है, ये आता है आपका थर्ड डायमेंशन। फिर जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, और जहाँ पे आप आपका मेडिटेशन को मैं आँख बंद करके
टच करते हैं मिड ऑफ द आईब्रोज, और हर 2 मिनट बाद उसको आप टच करते हैं और ओम का आप स्मरण करते हो, जाप करते हैं ब्रेन में, और उसी कॉन्सेप्ट को पूरा ध्यान जो है वो इस सेंटर पे लगा के रखते हैं और हर 2 मिनट को बाद इसको टच करते रहते हैं और ओम का जाप करते रहिए। एक टाइम आता है जब आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे थर्ड आई कहा जाता है वो स्पार्क होती है और फिर वहाँ से आपकी एनर्जी जनरेट होती है और आपका जो है अनकॉन्शियस माइंड वो ओपन होता है और आप फिर वहाँ से आप ट्रैवल करना चालू करते हो। आप जाते हो 4th dimension में, उस 4th dimension में आप ट्रैवल चालू करते हो जहाँ पे आपको आज का आगे का या फिर आज के पीछे की चीज़ें आपको दिखती है, याद आती है, या फिर फ्यूचर जो प्रेजेंटेशन है फ्यूचर जो है वो आपको दिखना स्टार्ट होता है, तो वो होता है 4th dimension। जब आप उस पूरे इसमें से निकल के जब आपको एक ब्राइट लाइट दिखना चालू होती है, वो ब्राइट लाइट से आप जब कनेक्ट हो जाते हो, मैं से जब आप हम बन जाते हो, तब आपका 5th dimension जो है वो ओपन होता है। ये कोई एकदम मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से आसान चीज़ नहीं है। जब आप डायमें जाते हो आप मेडिटेशन में, आपको कई सारे चीज़ें दिखती है जहाँ पे आपको घबराहट होती है, जहाँ पे डर लगता है, जहाँ पे आपका गला सूखता है, जहाँ पे आपके हाथों पैरों की ताकत चली जाती है, जहाँ पे आपकी बॉडी वाइब्रेट करना चालू कर देती है, जहाँ पे आपको वहाँ से घबराहट के साथ पल्पिटेशन सांस तेज हो जाती है। ये आसान चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताया कि ये होता है ऐसे हो जाता है, और ये अचीव करना कोई आसान चीज़ नहीं है। जो कर रहे मैं बाद में कॉमेंट्स लूँगा सभी के, मैं कॉमेंट सेक्शन बंद करके रखा है, मैं पहले ही बता देता हूँ मुझे कोई कॉमेंट नहीं दिख रही है, मैं सारा कॉमेंट सेक्शन बंद करके रखे हैं क्योंकि ये चीज़ों पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन आपकी बातों की जगह कॉमेंट में आ जाता है। तो जो 5th dimension जो है उसमें आप जाते हो, ये जब आप कंटिन्यू करते रहते हो दिन में 2-2 बार 3-3 बार जब आप करते रहते हो, तो कभी स्टार्टिंग में 2 मिनट, फिर बाद में 3 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट, कभी 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 आधा घंटा आप उसमें जब रहते हो, वो जो फील है, वो जो फ्रेशनेस है, वो जो एनर्जी है, तब आपका फेस भी जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है, एंजाइटी चली जाती है, आपको रिफ्रेशनेस आता है, आपको क्लियर होता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में करना क्या है। जो थॉट्स का जो चलता है दिमाग में गोंधड़ जिसे कहा जाता है मराठी में, हिंदी में याद नहीं आया, तो ये जो है ये आपको क्लियर करता है 5th dimension में जाके। फिर वो जो हैप्पीनेस है, जो आनंद है, वो आपको अनपेड है, वो अनपेड है, वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है ये। और इसी के लिए और ये चीज़ ये फ्री मेसन्स, ये इल्यूमिनाटी ये नहीं चाहते हैं ये आपको मिले। आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन्होंने जानबूझ के बांध के रखा हुआ है। जब आप ये कंटिन्यू करते रहते हैं, जब आप उस अचीवमेंट ले लेते हो कनेक्शन विद द डिवाइन एनर्जी, फिर ओपन होता है 6th dimension। ये जो 3rd dimension है, ये 3rd dimension ये मटेरियलिस्टिक है, ये जैकेट है, ये चश्मा है, ये हेडफोन है, ये घड़ी है, ये बाजू में भिंत है, ये वॉल है, ऊपर फैन है, ये चेयर है, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ है, मगर ये अभी के सिचुएशन में प्रेजेंट है। तो 6th dimension जो है वो रिलैम है ज्योमेट्रिकली एंड ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन, और जो भी लाइट एंड द लाइफ, ये जो लाइट है सब कुछ जो है वो लाइट है, ये लाइट और लाइफ इसका जो रियल ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन है, ये उसका मैनिफेस्ट करता है, ये जो दिख रहा है, जो प्रेजेंट हो रहा है, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो उसको मैनिफेस्ट करता है। ये जो 6th dimension है ये सैक्रेड है, ये खुफिया है, एक किसी को इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता है, नहीं गया है, क्योंकि जो संभाला तक जाना चाहता है वो प्योर सोल होना चाहिए। उसकी सारे की सारी, जिससे मैंने कल वीडियो में बताया था, उसकी सारी की सारी कुंडलियाँ
जागरूक होनी चाहिए, तभी वो उस जो क्योंकि शंबाला के बाहर भी ब्लैक एनर्जीज खड़ी है जो आपको उसमें नहीं जाने देना चाहती है, नहीं जाने देगी, वो आसान नहीं है। बहुत से लोग मुझे बहुत से लोगों के फ़ोन आए कि सर हमने आप जो बोलते हो फर्स्ट डे मैंने जब डायमेंशन के बारे में बात की थी यूनियन रजा मैडम केस पे, तब मुझे फ़ोन आए थे कि सर आप जो बोलते हो उस तरह से मेरा जो है वो माइंड ओपन अप हुआ है और मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं उस सोर्स एनर्जी के पास जाके आया हूँ, आगे क्या है मुझे नहीं पता है, क्या करना है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और ऐसे लोगों को ये इल्यूमिनाटी वाले ढूंढते हैं, ये फ्री मेसन्स वाले इनको ढूंढते हैं, उनको ऑफ़र दिया जाता है, करोड़ों रुपए के ऑफ़र दिए जाते हैं महीने के, आपको क्या चाहिए, गाड़ी बंगला घर दार, लड़की लड़का होगा तो लड़की, लड़की होगा तो लड़का, क्या चाहिए सब देंगे, सिर्फ आप वो टेक्निक हमें बताओ, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। वहां तक तो बहुत लोग चले जाते हैं। ये जो बता रहा हूं ये वीडियो बाद में रहेगा नहीं रहेगा मुझे पता नहीं, पेपर पेन लेके बैठिए, लिख के रखिए मैंने क्या क्या बताया अब तक, ये चीज आपको बाद में नहीं मिलेगी। तो आपका जो फोर डायमेंशन से आप जाते हैं उसमें और फिफ्थ डायमेंशन आता है, तो ये जो सैक्रेट जो जियोमेट्रिकल फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, जो आपको कभी बताया नहीं गया है, बहुत से कम लोगों ने जिनको शंबाला के बारे में बचपन में बताया होगा, पता होगा, ये मटेरियलिक थिंग्स जो है ये अभी थर्ड डायमेंशन में, ये एनर्जेटिकल टेम्पटेशन है, आपकी जो भी चाहत होती है, आज मुझे रसगुल्ला खाना है, आज मुझे पनीर खाना है, आज मुझे बटर खाना है, आज मुझे चिकन खाना है, आज मुझे मटन खाना है, या फिर मुझे गाड़ी चाहिए, ना चाहिए फोर्ड फिगो चाहिए, लैंड क्रूजर चाहिए, थार चाहिए, तो ये जो है ये टेम्पटेशन है आपके उस एनर्जी से, ब्रेन से निकले हुए ये टेम्पटेशन से, ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ ये सारे के सारे ये टेम्पटेशन है, इस बात को आप थोड़ा समझिए। जब तक मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं समझोगे, जब तक आप मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं समझोगे, तब तक आप इनडायरेक्टली आप स्पिरिचुअलिटी और जो डायमेंशंस है इसके बारे में भी नहीं समझ पाओगे। तो मटेरियलिस्टिक थिंग से डिटैच होना ये जो है, और इससे आपके अनकॉन्शियस माइंड को जगाना, उसको आपके हिसाब से बाहर निकालना, फिर वो आपको लेके जाएगा डायमेंशन में। तो ये जो चीज़ें हैं ये एनर्जेटिक फॉर्म में है, और ये ट्रेडिशनल इल्यूमिनाटी वाले के पास जो चलता है ना कल्ट, मैंने कहा है आपका उनके पास कल्ट होता है, बोहेमियन ग्रेव में चलता है उनके कल्ट, तो वो जो कल्ट के अंदर इसके बारे में बात की जाती है, इसके बारे में बताया जाता है किस तरह से मटेरियलिस्टिक एनर्जेटिक सोर्स को यूज करके स्पिरिचुअलिटी कंपाउंड में जाने का है। जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो एस्ट्रल प्लेन पे, एस्ट्रल यानी जिसे एनर्जेटिक फॉर्म कहा जाता है, एनर्जेटिक प्लेटफॉर्म, एनर्जेटिक डायमेंशन, एस्ट्रल फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। बेसिक कंपाउंड जो है जियोमेट्रिकली एग्जिस्ट करता है इन लाइट फॉर्म में, सिक्स डायमेंशन, वो आपको विजुअल फॉर्म में नहीं है, वो लाइट फॉर्म में है, जिसके थ्रू लाइट चली जाती है, आर पार चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो शंबाला में जो वहाँ पे एक डायमंड है जो उसको उस तरह से डायमंड यानी वो एनर्जी सोर्स है जिसको वो देता है शंबाला को, और वो इनविजिबल कर देता है, जिस तरह से आपने देखा होगा वो मिस्टर इंडिया वो घड़ी को चलाता है तो इनविजिबल हो जाता है, तो उसी तरह से एक जो है वो शंबाला, लोग बहुत से कहते हैं इमेजिनरी है, इसमें कोई मतलब नहीं है, मगर देखिए कोई चीज़ मैंने देखी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, मैंने अब तक अमेरिका देखी नहीं है इसका मतलब नहीं है कि वो अमेरिका नहीं है, वहाँ पे अमेरिका है, वहाँ पे प्रेसिडेंट है, वहाँ पे 22 करोड़ लोग रहते हैं, तो वो जब तक हम देखते नहीं, और ये स्पिरिचुअल है, ये एनर्जी फॉर्म में है, तो इसको आप उस लेवल पे जाके एक्सपीरियंस करना है, वो हर किसी की बात नहीं है,
वो हर किसी की बात नहीं है, बहुत कम है ये जो साधु लोग बैठे हुए हैं अपने यहाँ पे मार्केट में आके, ये लोग कैपेबल नहीं है। आप उनके सिर्फ प्रवचन सुनते हो, आप क्या सुनते हो, आप उनके प्रवचन सुनते हो, आप उनसे कभी इस एनर्जी, इस सोर्स के बारे में, इस एनर्जी के बारे में इसके बारे में कभी बात नहीं सुनी होगी आपने। तो सिक्स डायमेंशन जो है ज्योमेट्रिकल लाइफ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो सब सिक्स डायमेंशन है, ये डायमंड ऑफ शंबाला का जो है फिफ्थ डायमेंशन से आप देख सकते हो, एस्ट्रल टाइप फोर्थ डायमेंशन फिजिकली जो कि फोर्थ डायमेंशन या एस्ट्रल फॉर्म है, मैंने जैसे कहा आप उसको एक्सपीरियंस करते जो आपका माइंड ओपन अप होता है, जब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड थर्ड आई ओपन होती है तब आप जब जाते हो तो फोर्थ प्लेन, फोर्थ डायमेंशन चालू होता है और उस फोर्थ डायमेंशन में से आप फिजिकल फॉर्म का थर्ड सेकंड फर्स्ट डायमेंशन से आप एक्सपीरियंस करके बाहर निकलते हो। सिक्स डायमेंशन मेंटल इन नेचर और बेस्ड है आइडियाज इंफॉर्मेशन पे है, जिसको ये बारे में पता है। अब मैंने आइडिया दिया आपको, अब आपको पता है शंबाला आपको ढूंढना है, क्योंकि आप जब शंबाला में जाएंगे तब जो है वहाँ पे आपको स्पिरिचुअल सोल इसके प्यूरिफिकेशन एंड क्योंकि ऐसे माना जाता है पृथ्वी पे स्वर्ग है जो एक क्रिश्चियनिटी में, एक ज्यूइश में भी एक वर्ड है कि उस दुनिया का गुड, अच्छी दुनिया का प्रॉमिस किया गया है। तो वो जो दुनिया है वो स्पिरिचुअल है, उसमें लेके जाने के लिए गुरु की जरूरत रहती है और वो गुरु नहीं है भारत में कोई, ना दुनिया भर में है, जो है बहुत कम है और जो है वो आके लोगों को बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो अभी भी उस डायमेंशन को समझ नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी मैं कर रहे हैं। फिफ्थ डायमेंशन मतलब मैं नहीं, हम हैं, मैं और ये सारी पृथ्वी की जो भी है, इस क्रिश्चियन हो, इस्लामिक हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, ये प्राणी मात्रा हो, कुत्ते बिल्ली चूहे, ये पेड़ पौधे, ये सब उसी की ओरिजिन है, उसी ने उसको सबको बनाया है। तो मैं जो हूँ वो जो मेरा अंदर सोर्स है, वो एनर्जी है, वो सभी के अंदर है और इन सभी को जिसने बनाया है उसके साथ कनेक्ट होना है। तो मतलब इन सबको लेके उसके साथ कनेक्ट होना है, अकेले कनेक्ट होने से आपको वो चीज़ नहीं मिलती, इसीलिए वो सारे के सारे जो भी है वो फिफ्थ डायमेंशन में जाके वो अटक गए हैं, वो उसके बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं जाना कहाँ है, क्योंकि उन्होंने अब तक का मैं छोड़ा नहीं। जिस दिन वो मैं छोड़ेंगे उस दिन आप शंबाला में जा पाएंगे और ये चीज़ें समझना इतनी आसान नहीं है। जिन्होंने, मैंने कहा ना मैं क्यों नहीं बोलता हूँ इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि भारत के अभी भी लोग, कई सारे लोग हैं जिनको लगता है कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियर बन गया, मैं IITian बन गया, मैं सॉफ्टवेयर बन गया, मैं MBBS MD मेडिसिन सर्जन फिजिशियन न्यूरो फिजिशियन ऑन्को सर्जन ये बन गया हूँ, मैं पंतप्रधान बन गया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, मैं MLA बन गया हूँ, मैं सांसद बन गया हूँ, तो मैं बहुत बड़ा हूँ। मगर ये जो रिलैम है, ये जो डायमेंशन है, इस तुम्हारे इस चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करते हैं आपके सोल्स के ऊपर। आपकी सोल कितनी प्योर आपने रखी है, आप कितना, जैसे मैंने चार्ट दिखाया था, मेरा मेंटल इमोशनल चार्ट मैंने दिखाया था आपको, डाला है मैंने इंस्टाग्राम पे, आप देख लीजिए। आप जितने ऊपर के लेवल पे जाएंगे डिसीज कंडीशन पे, उतना आप सेल्फ सेंटर्ड कॉन्सेंट्रेटेड सेल्फिश बन जाएंगे, उतना आप इन चीज़ों से दूर चले जाएंगे। जितना आप प्योर फॉर्म में, कॉन्शियस में, सेल्फलेस काम करेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स रहते हैं जो कि ये करते हैं सोशल कॉज के, एक सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लोग कैसे कैसे एक्सपीरियंस देते हैं उसके लिए। मैं क्यों आपको सिक्स डायमेंशन डायरेक्ट बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको फिफ्थ डायमेंशन पहले समझना होगा, आपको फोर्थ थर्ड डायमेंशन क्या है। थर्ड डायमेंशन में आपको पकड़ के रखा हुआ है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं आपको 10 मिनट के अंदर सिक्स डायमेंशन बता दूंगा, सिक्स डायमेंशन मगर समझना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सिक्स डायमेंशन
में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा यही पता नहीं है। एक्चुअली आप फिफ्थ डायमेंशन में नहीं जा पाओगे जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे। मैंने कहा था कि लोग कहते कि सर वो लोग जाग नहीं रहे, सुन नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि मत लो मत लो, पनीर पनीर का जो है मत लो, मगर लोग नहीं मान रहे हैं। तो मैंने तब कहा था आप बता रहे हैं, आप मैं समझा रहा हूँ, आप समझा रहे हैं, मैं दो साल से समझा रहा हूँ, आप एक साल से जब टीका है तब समझा रहे होंगे, मैं चार साल से, मैं 15 साल से बता रहा हूँ कि कोई टीके की जरूरत नहीं है, आवर बॉडी इज इम्यून टू एवरीथिंग। तो इसलिए मैंने मेरे बच्ची को कोई टीका नहीं दिया है अब तक। तो आप बता रहे हो, आप समझा रहे हो, मगर वो चाहता है क्या? अगर वो चाहता है तो सामने वाले को वो समझेगा, अगर वो नहीं चाहता है कि सामने वाले को समझे तो कहाँ से समझेगा? तो इसीलिए वो चाहता है तो होता है, जैसे कहा गया है ऊपर वाले की इच्छा के बगैर पेड़ का पत्ता नहीं हिलता है। आप समझे क्या? पेड़ का पत्ता हिलता है तभी हवा आती है, बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। तो उस तरह से पेड़ का पत्ता भी तब हिलता है जब ऊपर वाले की इच्छा हो। ये सारे धर्मों में लिखा है, गॉड अफेक्ट, एक्ट ऑफ गॉड, वो जो वो बाय गॉड मूवी है जिसमें भी बताया था। तो इन चीज़ों को समझिए, जब तक आप फिफ्थ डायमेंशन को जा नहीं पाओगे, जब फिफ्थ डायमेंशन में आप ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड जब आप वहाँ पे आपको पूरा ज्ञान मिलेगा, फिर वो फिफ्थ डायमेंशन जो है वो आपको अलग अलग प्लेन में लेके जाएगा, प्लेन से नहीं डायमेंशंस में, जहाँ पे आपको अलग अलग जो है एक्सपीरियंस आएंगे, जिसमें आपको अगर आप भगवान मानते हो, अगर आप शैतान मानते हो, तो आपको नरक भी मानना पड़ेगा, आपको पाताल भी मानना पड़ेगा, आपको स्वर्ग भी मानना पड़ेगा, आपको नागलोक भी मानना पड़ेगा, आपको देवलोक भी मानना पड़ेगा, आपको भूलोक, ये सारी मानना पड़ेगा। ये सब पोर्टल्स, ये सब डायमेंशन जो है, जो कि वहाँ पे वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आते हैं, ये मटेरियलिस्टिक फॉर्म में नहीं आते हैं, ये डायमेंशन फॉर्म में आते हैं। तो वो आपको दिखाता है, फिफ्थ डायमेंशन ये आपको दिखाता है। जब आप उसमें पूरी तरह से देख लेते हो, समझ लेते हो, भोग लेते हो, तब आपका फिर आता है सिक्स डायमेंशन में जाने का वक्त। आप कितना भी प्रयास कर लो मुझे ढूंढना है, मुझे ढूंढना है, सिक्स डायमेंशन आपको उस तरह से नहीं दिखता है, जब तक आपको फिफ्थ डायमेंशन पूरी तरह से वहां पे आपको उसका जो है वो प्लेन्स, फिर वो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल हो, एलियंस हो, पृथ्वी हो, अंडर द सी हो, अबाउट द स्काई हो, ये सब वो दिखाता है। मानिए, सच मानिए, आप देखोगे, अगर जाओगे प्रैक्टिस करोगे। और ये आसान नहीं है, किसी को पकड़ के कान को लेके गया, हाथ को पकड़ के लेके गया, ये देख ऐसे ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। ये सोलली होली डिपेंड ऑन योर मॉरल ऑफ द सोल, आप कितनी प्योर रखे हैं और कितना प्रयास कर रहे हो। आप बोल रहे हाँ हो गया, 10 मिनट हो गया, मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को नहीं करना है, प्रैक्टिस लगती है भाई साहब। आप किसी भी प्लेयर को देखिए, रोनाल्डो को देखिए, सचिन तेंदुलकर को देखिए, कोहली को देखिए, धोनी को देखिए, एक दिन में नहीं बने हैं, प्रैक्टिस की उन्होंने उम्र के 10-12 साल से, प्रैक्टिस करते 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 फिर जाके आज तक यहाँ पे पहुँचे। कोई भी लीजिए, कोई भी सिंगर होगा, एक दिन में आया और गाना गा के किशोर कुमार या लता मंगेशकर नहीं बनते, वो प्रयास लगता है, उनका डेडिकेशन लगता है। तो ये भी जो चीज़ है, इसमें जाना, उस थर्ड डायमेंशन को ब्रेक करके फोर्थ डायमेंशन में जब ट्रैवल करना चालू करते हो तो घबराहट होती है, पसीना छूटता है। एक्सपीरियंस में बाद में कमेंट सेक्शन खोलूंगा, तब कमेंट कीजिए, अभी मैंने कमेंट सेक्शन बंद रखा हुआ है, मैं किसी के कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान भी डाइवर्ट हो जाता है। ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, किसी ने नहीं किया आज तक। मुझे आज तक बताइए कि कौन है कि जिसने आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए, क्योंकि कोई बताता नहीं है। मैं आज क्यों बताने लगा हूँ, क्योंकि जब आप लोगों को थोड़ा वही मैं पहले दिन आके बताता था तो लोग बोलते थे ये बावला है, इसको क्या लेना देना है, इसको क्या समझता है, डॉक्टर है ये फोन पे छोड़ के और बात कर रहा है। इसलिए जब ये सब चीज़ें हुई, ये टीका, ये 5G, ये GMO, ये लॉकडाउन वगैरह, ये मास्क, ये हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब हुए, जब मैंने जो बोला था आपको ऐसे थे, तो आपको यकीन आया कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, तब
फिर जाके मैं आपको एंड में इस चीज के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपकी जिंदगी का असल सच है। आप जिंदगी में यहाँ पे जन्म लिया है, ये सिर्फ पैदा होकर मरने के लिए नहीं है, इस बीच में आपको आपके जीवन के मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। व्हाट इज अ लाइफ? लाइफ इज नथिंग फ्रॉम बर्थ टू ट्रैवल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ये मेरा अभी मेरा ट्विटर मेरे व्हाट्सएप पे मेरा स्टेटस है। तो ये जो बर्थ जर्नी है ना, ये है आपका थर्ड डायमेंशन, और जो बर्थ लेके मौत आने वाली है वो है फोर्थ डायमेंशन। और इस फोर्थ डायमेंशन के बीच में आपको अगर आज अवेकनिंग हो जाती है, अवेकनिंग ऑफ सोल कहा जाता है, ये हो जाती है, तब आप अहम ब्रह्मासी, आपका जो डीएनए है उस डीएनए का जब आप क्रोमोसोमल निकालोगे और जब उसका चेन देखोगे तो उस चेन में जो इस छोर से लेके इस छोर तक जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो ये दिखता है गोल राउंड, ऐसी सेम वो बड़ा गोल राउंड रहता है जिससे अटैच होता है, और इसकी जो नली रहती है ये सेम इसी तरह से है, और सेम इस तरह से ये साइड भी आता है गोल राउंड, तब आपका एक वो डीएनए का एक जो है चेन वो बनती है। और ये डीएनए की चेन जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है राउंड एंड देन सिलिंड्रिकल, ये सेम आप देखोगे भगवान विष्णु के शिव के पिंड जैसा है। तो ये एनर्जी सोर्स जो अहम ब्रह्मासी, तो जो ब्रह्म है, जो शिव है, जो ओमकार है, जब सेवंथ डायमेंशन बात करूंगा मैं तब मैं बात करूंगा उसके बारे में, मगर अभी मैं आपको इसकी हिंट दे रहा हूँ सेवंथ डायमेंशन की, जो वो है एनर्जी सोर्स, आप उसको कोई भी नाम दीजिए, आप उसको भगवान बोलिए, उसको अल्लाह बोलिए, उसको जीसस बोलिए, उसको भगवान बुद्ध बोलिए, भगवान महावीर बोलिए, कुछ भी बोलिए, गुरु नानक बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो जो है वो एनर्जी सोर्स जो है वो देता है एनर्जी। उस एनर्जी से आप फिफ्थ डायमेंशन में जब जाते हो और फिफ्थ डायमेंशन में जब ट्रैवल करते हो, आपको सब पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है दुनिया भर की, कॉस्मिक की। शब्द याद रखिए, लिख के रखिए, फिफ्थ डायमेंशन ये आपका टाइम स्पेस जो है इंटर डायमेंशन ट्रैवल करना है। सिक्स डायमेंशन जो है वो आपको शंभाला जो है, सिक्स डायमेंशन जहाँ पे आपको एक्चुअल में जिसे कहा जाता है मोक्ष प्राप्ति, इस आत्मा सोल को प्यूरिफाई करना, जो आप जाते हो भगवान केदारनाथ के पास, उस गुफा में जाते हो, क्या है वो गुफा? वो गुफा आखिर में शंकर भगवान की पिंड है और एनर्जी सोर्स है। आप वहाँ पे जाते हो इसीलिए तो जाते हो, आप मक्का मदीना जाते हो, आप अमेरिका में जो है वो ज्यूइश टेंपल जो है वहाँ पर, वहाँ की जो चर्च जहाँ पे जीसस को आखिरी सफ़र जो था उनका मौत हुई थी, ये सारी चीज़ें उनके रीजन से आप देखिए नॉर्थ में है, केदारनाथ नॉर्थ में है, मक्का मदीना नॉर्थ ईस्ट में है, अमेरिका के हिसाब से इज़राइल जो है वो नॉर्थ में ऊपर आता है। तो एवरी पर्सन का जो भगवान है वो नॉर्थ में है। नॉर्थ इज अ एनर्जी सोर्स ऑफ एवरी बीइंग, तो इसलिए उन्होंने हिडन मैसेज दिया था। आपका कौन सा वो सीरियल थी, अमेरिकन एक सीरियल थी जिसमें किंग इन नॉर्थ कहते रहे हो, किंग इन नॉर्थ, तो इसलिए वो किंग जो भी एनर्जी है, जो भी है वो हर किसी का जो है वो नॉर्थ में है, ठीक है, दैट इज अलग डिफरेंस। तो शंभाला का अभी आपको बताता हूँ, सिक्स डायमेंशन मेंटल नेचर बेस है और ये आइडिया है। फर्स्ट सिक्स डायमेंशन के लिए मैनिफेस्ट देखने के लिए आपको एस्ट्रल प्लेन में जाना पड़ेगा, यानी आपको फोर्थ डायमेंशन में जाना पड़ेगा। ये फिजिकली जो है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आपको इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको एस्ट्रल प्लेन में जाना पड़ेगा। एस्ट्रल प्लेन यानी कोई प्लेन नहीं है, ये डायमेंशन है, तो इस डायमेंशन में जाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा, आपको आपकी एनर्जी, आपके सोल्स, आपकी
इसको फ्री करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल करके रखते हो, नहीं मैं जाना चाहता हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। आप उस डायमेंशन में, आपको वहाँ पे जाना है तो लेट इट गो। आपको जो भी है, आपका जो राग, द्वेष, मत्सर, क्रोध, एंगर, इन चीज़ों को लेट इट गो करना पड़ेगा। आप उस चीज़ को पकड़ के रखोगे, आप उस डायमेंशन में नहीं जा पाओगे। बस इसी बात पे ये सारा प्रवचन चलते रहता है ये सारे साधु संतों का। वो आपको लेट इट गो करते रहते हैं, आप लोगों को कुछ घंटा समझता नहीं है। आप इस बात को समझिए, आपको एस्ट्रल प्लेन में जाना है, फोर्थ डायमेंशन को जाना है, तो आपको लेट इट गो करना पड़ेगा। ये जो सारे संत हैं, कोई भी आप संत लो, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज, संत मीराबाई, संत चोखा कुंभार, या फिर गुरु नानक जी, कोई भी लीजिए आप संत, सब ने एक ही ट्राई किया है, भाई लेट इट गो। आप इस चीज को पकड़ के रखेंगे, उसमें होता कुछ नहीं है। तो इसी के लिए आपको जब उस फोर्थ डायमेंशन में जाना है, यू हैव टू लेट इट गो। फिर जब एस्ट्रल प्लेन में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग शेप्स लेते हैं, वो डायमेंशन जो है अलग अलग स्पेस शेप लेते हैं थ्रू दैट सेक्रेट ज्योमेट्री। वो जो है हिडन नॉलेज, इसको हिडन नॉलेज कहा जाता है। तो हिडन नॉलेज में सेक्रेट शेप लेते हैं। ये सब प्लेन जो है ये कॉम्बिनेशन है प्लेटोनिक सॉलिड फाइव शेप्स के, अर्थ, भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश। ये जो पांच तत्व है, यही पांच तत्व हमें बनाते हैं, यही पांच तत्व से मैं बना हूँ, यही पांच तत्व से आप, कुत्ता, बिल्ली, ये सब कुछ जो है इन्हीं पांच तत्वों से बना है। यही पांच तत्व जो है शेप्स लेते हैं, और ये अलग अलग वेवलेंथ में, मैंने कहा था एवरीथिंग इज फ्रिक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ में ये वाइब्रेट हो रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है अलग अलग इस फॉर्म में, और अटैच करके रखा है इन सबको एक साथ, इसीलिए ये हमें दिखते हैं। और ये जब डायमेंशन में जाते हैं, आप फिफ्थ डायमेंशन में जाते हैं, तो ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग फॉर्म में रिजोनेट करते हैं। इसीलिए आपको एट अ टाइम जो डर लगता है, क्योंकि आप उस प्लेन में से जाते हो, उस डायमेंशन से जाते हो, तो जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखती है, इसलिए आपको डर लगता है, क्योंकि आप ना पाताल, आप नरक, आप भूलोक, आप अलग अलग लोकों से, डायमेंशन से जा रहे हो, और वो चीज़ें दिखती है आपको। क्योंकि जब तक आप ये सारी डायमेंशन नहीं देखोगे, तब तक आप संभाला के पास नहीं जा पाओगे, तो मुक्ति धाम। और वो लोकेटेड कहाँ है, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, वो नेपाल और कैलाश टेम्पल के बीच में कहीं तो भी है। तो इसलिए ये चीज़ों को आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, जब देखोगे तो आपको सर्च करना है। आपको जब फिफ्थ डायमेंशन आप कंप्लीटली कर लोगे, जब कंप्लीट करोगे फिफ्थ डायमेंशन, वो आसान नहीं है, मैंने कहा है आपको, हमको साल साल, दो दो साल, ढाई ढाई साल लगे इस चीज़ों को करने के लिए। और इस चीज़ों का मैं कभी बात नहीं करता हूँ इन चीज़ों पे, मेरे दोस्तों को या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल को भी इसके बारे में नहीं पता है, मेरे घर वालों को भी मैंने कभी इसके बारे में नहीं बताया है। तो आज ऐसे सब्जेक्ट निकला, उस टाइम किसी ने तो भी पूछ लिया, किसी तो कहीं से तो भी, तो फिर मेरे दिमाग में आया मैं बोलूँगा डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन के बारे में चालू किया। तभी से मेरा इन्होंने फेसबुक और ट्विटर हैंडल दोनों ब्लॉक कर दिए, ये नहीं चाहते ये डायमेंशन के बारे में आपको पता चले। तो ये पांच चीज़ों का जो शेप्स है वो रेजोनेट करता है। प्लैटोनिक सॉलिड जो है एलिमेंट्री एनर्जी पे हाई प्लेन है, ये हायर एनर्जी सोर्सेस है, ये कॉमन, जिसकी एनर्जी वीक है, जो एनर्जी फॉर्म में जो ये नहीं है, ताकतवर नहीं है, जो कमज़ोर है, विल पावर जिसकी कमज़ोर है, वो इस प्लेन तक नहीं जा पाएंगे। जो सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, वो वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। कितना भी घिस लो, पटक लो, अपट लो, नहीं जा पाओगे। तो फिफ्थ डायमेंशन में से आप जब जाओगे, तो अलग अलग प्लेन्स में से, तब आपको सिक्स डायमेंशन पे जाते जाते ये अलग अलग फॉर्म्स आएंगे। जिस तरह से कल के मैडम ने कहा था कि वहाँ पे अगर जाना है तो नागा साधुओं को 27 दिन तक प्योर कड़क तपस्या करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको उस सारे डायमेंशन से निकलना पड़ता है, जो भी है एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, आपकी बॉडी का जो भी एक एक डर है, एक एक एंजाइटी है, एक एक फियर फैक्टर है, उसको सबको निकालना पड़ता है।
फिर आप ट्रैवल कर पाते हो उस एस्ट्रल प्लेन जहाँ पे पांच तत्वों से बनी हुई वो ज्योमेट्रिकल चीज है जो आपको विजिबल आंखों से नहीं दिखती, जब उसका लोकेशन पता चलता है तब आप जब वहां पे जाते हो उसके लिए आपको सारे की सारी कुंडलिनियां जागृत करनी पड़ती है, आपके साथ मूलाधार चक्र जो है उसको जागृत करना पड़ता है। हर चक्र जब जागृत होता है तब बॉडी में वाइब्रेशन आता है, जिस तरह से आप गाड़ी का गियर चेंज करते हो, फर्स्ट गियर डालते हो और जब क्लच दबा के सेकंड, क्लच दबा के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे आते हो, तो हर बार जब आप गियर चेंज करते हो तब आपकी बॉडी गाड़ी थोड़ी सी जर्क मारती है। उसी तरह से जब आपका एक चक्र, जब आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो आपका जब एक चक्र जागृत होता है तो जर्क बैठता है। जब आप कंटिन्यूएशन मेडिटेशन में रहोगे कुछ पीरियड बाद तो ऐसे होता है कि आप बस आँख बंद कर लिए कि आपके चक्र मूलाधार जागृत हो जाते हैं और विद इन टू वन और टू मिनट आप, तो ये एक्सपीरियंस करना बहुत ही, जब करेंगे आप तब आपको मेरी इन बातों का महत्व समझेगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको इस बातों का महत्व नहीं समझेगा, उसको समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आपके थाली में प्लेट पोहे रखे और बताओ कैसे है, तो बिना खाए जैसे आप बता नहीं सकते हो कि खारे है, गर्म है, ठंडे हो गए है, उस तरह से आपको एक्सपीरियंस किए बगैर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एनर्जेटिक फॉर्म में है, इसको एक्सप्लेन किया था बायोलॉजिस्ट रूपर्ट शेरड्रिक ने, कभी गूगल सर्च कर लीजिए, नाम लिख के रखिए, मैंने कहा था पेन पेंसिल लेके रखिए, लिखिए जो बोल रहा हूँ, बाद में वीडियो फिर से सुनिए। डॉक्टर बायोलॉजिस्ट है रूपर्ट शेरड्रिक, जिन्होंने फिफ्थ सिक्स डायमेंशन एग्जिस्ट के बारे में सबसे पहले साइंटिफिकली बताया था। साइंटिफिकली ये तो आध्यात्मिक है और उन्होंने साइंटिफिकली बताया था। देयर आर द पैटर्न्स जो एनर्जेटिक फॉर्म में है जो होल्ड करते हैं टेम्पलेट्स, और वो ज्योमेट्रिकली अपने बॉडी में ही प्रेजेंट रहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। इसको कलेक्टिवली हर स्पीसीज के अंदर पाया जाता है, मॉर्फोजेनेटिकली फील्ड है ये, इसको मॉर्फोजेनेटिक कहा जाता है, जो अपने अनकॉन्शियस माइंड में जब आप ओपन करते हो तब उसको ट्रैवल किया जाता है, तो ये मॉर्फोजेनेटिक फॉर्म में है। और ये कंसेप्ट जो है अनकॉन्शियस ग्रीड में आता है, ये इवॉल्व होता है और कॉन्ट्रोवर्शियली नोन एज द 100th मंकी इफेक्ट, गूगल कीजिए 100th मंकी इफेक्ट। तो ये मॉर्फोजेनेटिक फॉर्म है एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्शियस ग्रीड्स विच इवॉल्व ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल थेरी नोन एज द 100th मंकी इफेक्ट। ये इस थेरी की वजह से स्पीसीज जो भी इस फील्ड में आती है एनर्जेटिक फॉर्म में रहता है, लो एनर्जी फॉर्म में है, जब इसको लो एनर्जी फॉर्म में हाई इन्फॉर्मेशन रखती है कि कनेक्ट द मेंबर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंबर्स इन द नॉन लोकल फैशंस। ये जो है ये नॉन लोकल को इरविन लैस्लो, LASZLO लैस्लो साइंस एंड द आकाशिकी फील्ड इसे कहा जाता है। एवरी स्पीसीज जो है वो कुछ चीज़ें मुझे याद रखती थी नहीं पड़ती, मैं लिख के रखता हूँ, तो लिख के रखा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ वो डायमेंशन वगैरह बात कर लेता हूँ, मेरे साइंटिफिक नाम लेने के लिए मुझे लिख के रखना पड़ता है कुछ। एवरी स्पीसीज लिंक्ड विद द विजिबल फोर्स, जो हम देख पाते हैं जो दिख रहा है वो एनर्जी सोर्स है थर्ड डायमेंशन में, क्योंकि वाइब्रेट हो रहे, रेजोनेट हो रहे पाँच तत्वों से। तो जब आदमी की जो मॉर्फिक फील्ड है वो रेशियली ओवर सोल है, यानी खुद के ऊपर जो आपकी आत्मा है, जो मैंने कहा था आपकी आत्मा वही आपको सब कुछ देती है, ये कनेक्ट करता है जेनेटिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली। इट्स बिलीव कि कुछ क्रिटिकल मास पीपल ग्रुप जब ये असेंशन करेंगे, जब अपने दिमाग के अपने सब स्पिरिचुअली और कल्चरली और जेनेटिकली, कि कुछ लोग जो मैंने कहा ना ये कल्ट चलता है, ये इल्यूमिनाटी वाले कल्ट करते हैं जहाँ पे कुछ ठराविक लोग आके वो कल्ट करते हैं और कनेक्ट करने का एक दूसरे के माइंड थॉट्स के साथ कनेक्ट करके उस संबला में जाने का ट्राई करते हैं, मगर होता नहीं है उनसे, वो जाके उस फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन में जाके अटक रहे हैं, वो आगे ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सोल उनकी प्योर नहीं है। खुद लिखते हैं, वो खुद लिखते हैं यहाँ इल्यूमिनाटी बुक्स के अंदर कि जाना है क्या करना है, मगर उनके सोल्स प्योर नहीं है। तो इसलिए जब ये स्पिरिचुअली कल्चरली जेनेटिकली कनेक्ट होते हैं तो ये
लेवल ऑफ असेंशियन, ASCENSION, असेंशियंस में जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी के सभी ग्लोबल असेंशियन में जाते हैं, ये का मानना है इल्यूमिनाटी वालों का। तो ये जो है यही सिक्स डायमेंशन, इसके बारे में आपको अब तक बताया। ये सिक्स डायमेंशन जो है ये आपको आपके फिजिकल फॉर्म में से निकाल के एनर्जेटिक फॉर्म में आपको जाने के लिए। अब मैं ले रहा हूँ कमेंट्स, अब मैं खोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन। जी बस पूछिए सवाल, कोई सवाल होगा तो मैं बता चुका हूँ सिक्स डायमेंशन। मैं लाइव हूँ, कोई आया होगा लेट तो उसको लग रहा होगा कि प्री रिकॉर्डेड है, मैं अभी लाइव हूँ आपके साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जयवाल, हाय हाय, हेलो किरण साहब, थैंक यू थैंक यू। सर ची एनर्जी क्या है? सर ची एनर्जी, ची एंड चैन, ये ब्लैक एंड वाइट जो एनर्जी रहती है वो ची एंड चैन रहती है। गुड एनर्जी नेगेटिव एनर्जी कंटिन्यू एक साथ काम करती है, इसी वजह से ये लैम्प, ये बता रहा हूँ ची एनर्जी। गुड एनर्जी इज अ ची एंड बैड एनर्जी चैन, ची एंड चैन एनर्जी जो चाइनीज इसमें आती है कंसेप्ट में। तो मेरे वॉल पे क्यों आए हो? अगर आपको और इसके बारे में वीडियो चाहिए तो मेरे वॉल पे क्यों आए हो, जाइए श्री श्री रविशंकर, रामदेव बाबा, वो सख क्या नाम उसका, वो ओशो जी, या फिर क्या नाम है उसका, कई सारे लोग हैं उनके वीडियो देखे, मेरे पास क्यों आ रहे हैं? बहुत भूत प्रेत होते हैं, मैं ना डायमेंशन के थ्रू जाते हो, आप डायमेंशन के थ्रू जाते हो तो उसकी वजह से उस डायमेंशन आपको वो जो है। कैन यू टॉक अबाउट फूड, में बात कहाँ चल रही है, कहाँ जा रहे हैं आप? आज डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ, आप कहाँ फूड और इसके बारे में जाते हो? मेडिटेशन को उसी तरह से चाहिए सर, कल मैं मेडिटेशन कर रहा था सडनली गया चला गया ऊपर। फोर डायमेंशन में एलियन नहीं है, दे आर इन द फिफ्थ डायमेंशन। सर यू वॉज राइट, इट वॉज बिटवीन द गुड एंड द बैड, यस मैंने कहा ना, ये सब कुछ जो चल रहा है जिस दिन आपको पता चलेगा, ये टीकाकरण जो है ना, ये टीकाकरण ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये भगवान और शैतान की लड़ाई है। तो इस तरह से आप समझिए ये चीजें सत्य और असत्य की, भूत और पिशाच की ये लड़ाई है। इसलिए मैंने आपको बताया था, जिस दिन मैं बताऊंगा कि आपको पता चलेगा कि आप इस मेडिटेशन करते हो, आपने आपके भगवान की इमेज क्यों लानी चाहिए दिमाग में, क्योंकि भगवान आपको क्यों, आप बिलीव करते हो भगवान पे, भगवान हो, अल्लाह हो, जीसस हो, भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी, तो वहाँ पर आप जाते हो जब वो सच वो डर है तो भगवान का नाम आपको उससे आप निकाल पाएंगे, वहाँ से आप रिपीट द 5D। वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो फिर से देखो, यहाँ पे मुझे ऑर्डर देने के लिए कोई आता होगा ना तो भाई साहब पहले बोल देता हूँ, मैं इंसल्ट कर देता हूँ, मेरा मुझे को ऑर्डर नहीं जमते। तो वहां पे आपका नाम ही वो उस एंजाइटी उस डर उससे निकालेगा, तभी आप उस चीज में से फोर्थ डायमेंशन में से आप निकलेगे, तभी आप फिफ्थ में जा पाएंगे। तो इसलिए दिस वॉर इज 500 टाइम बिगर देन महाभारत वॉर, प्लीज सेव द लाइव्स। हम क्या करेंगे, हम बताना हमारा काम है, मैंने कहा था आपको जिस दिन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो चीजें आपको जब समझेगी कि टीका क्या है, कि टीका आपके धर्म वॉर्जिन को डिस्ट्रॉय करना है, और ये जो है फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन इज अवेकनिंग ऑफ द सोल्स एंड इन चीजों को आप लोगों को नहीं बताना है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन चीजों को आप जब समझेंगे आपको पता चलेगा कि आपसे क्या छीना गया है, आपसे वो जो ब्रेन हैंग हो रहे हैं लोगों के, लोग उस थर्ड डायमेंशन में अटक चुके हैं। क्यों कहा था मैंने, इसलिए कहा था क्योंकि उनके ब्रेन, उनका लिम्बिक सिस्टम, उनका पिट्यूटरी ग्लैंड उन्होंने करप्ट कर दिए है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, इसीलिए
जो भी वो है, फिफ्थ डायमेंशन से सिक्स डायमेंशन में जाना, होल अवेकनिंग ऑफ द सोल करना, वो लोग नहीं कर पाएंगे. सॉरी, क्लियरली सॉरी. हमने आपकी आत्मा, आपका सोल प्योर रखने का बहुत ट्राई किया. आप लोगों को हम हिंट, मैं हिंट देता रहा, और किसी को पता नहीं है, मेरी बात करता हूँ, मैं हिंट देता रहा, मैं डायरेक्टली आपको हिंट दिया. इसलिए मैंने रिलीजियस एग्जम्पशन औरंगाबाद हाई कोर्ट में 2019 में जो मैंने रिलीजियस एग्जम्पशन मांगा था, उसका रीज़न ये था. आप उसको ट्रैवल उस, क्योंकि ये चीज़ें पहले दिन बोलता था ना कि रिलीजियस एग्जम्पशन क्यों चाहिए हमें. उस गाय का, सुअर का, मरे हुए बच्चे के बॉडी पार्ट्स का, ये तो खाने के रीज़न था उनको बताने के लिए. रियल है, जब वो टीका लगेगा आपके ब्रेन, आपकी लिम्बिक सिस्टम, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाएगी. आप उस फिफ्थ डायमेंशन में, सिक्स डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन में, थर्ड फोर्थ में नहीं जा पाओगे, थर्ड में अटक जाओगे. और ये मैं जानता था, इसलिए मैंने मना किया था, इसलिए नहीं बोला था. मैं आज बोला हूँ, जाके आपके जो धर्म गुरु है, जिन्होंने आपको कहा है कि पनीर टीका सेफ है, ले लीजिए, जिन मौलवी ने कहा था, जिन हिंदू धर्मी गुरुओं ने, गुरुओं ने कहा था, जिन पोप्स ने कहा था, जिन चर्चेस के प्रिस्ट ने कहा था, जिन गुरुद्वारों के महंतों ने कहा था, जाके उनको बोलिए आपने कभी फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन में ट्रैवल किया है, आपको पता है कैसे किया जाता है, कैसे मेडिटेशन किया जाता है. आके माइक के ऊपर कीर्तन और भजन करने से आप संत नहीं बनते हो. संत वही है जो सामने किसको अवेकन कर पाए, उस आत्मा को, उस मुक्ति के बाद पे जो है, जहाँ पे उसकी बॉडी प्यूरीफाई करना, सोल्स प्यूरीफाई करना. क्योंकि सोल जब प्यूरीफाई होगी तभी वो जा पाएगी मृत्यु के बाद में अदर लोक में, जो आध्यात्मिक है, जो हर भगवान, हर इसमें लिखा हुआ है बाइबल में, कुरान में, गीता में, या फिर धार्मिक कुछ हिंदू धार्मिक बुकों में. तो इसलिए दोस्तों, धन्यवाद सभी का मेरी बात सुनने के लिए. तो इसलिए जागिए, जगाइए. नॉन वेज चलता नहीं, किसने कहा है? ये गलत बातें हैं, ये गलत बातें हैं. आपको आपकी आत्मा प्यूरिफाई करने के लिए, जब आदमी आदमी नहीं था, जब वो आदिवासी था, जंगलों में रहता था, भाले मार मार के जानवर पकड़ के खाता था, तब कहा था. ये अभी संस्कृति आई है, इसके बारे में उलझी मत. नॉन वेज नहीं चलता, ये नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं है. अगर जैन नॉन वेज लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, मुस्लिम लोग नॉन वेज खाते हैं, तो उनकी आत्मा मुक्त नहीं होती है? क्रिश्चियन लोग सुअर खाते हैं, क्यों उनकी आत्मा मुक्त नहीं होती है? तो जागिए, जगाइए, तो जागेगा वही बचेगा. और बस प्रयास कीजिए थर्ड डायमेंशन से बाहर निकलने का, फोर्थ फिफ्थ में जाने का. फिफ्थ से सिक्स जाने बहुत टाइम लगेगा, बहुत. अगर आप फिफ्थ जब जाओगे, आप मेरे कोर्ट मैटर में, आप मेरे वैक्सीन कोर्ट में इंटरवेंट कर सकते हैं. आपको आपका पूरा नाम, एड्रेस, आधार कार्ड की कॉपी को सेल्फ अटैच करके, वकील पत्र की कॉपी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है, उसकी प्रिंट निकाल के उस पर सिग्नेचर करके आप मुझे पोस्टल एड्रेस जो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर है लिखा हुआ, वहाँ पे भेजिए. ढाई 3,000 रुपये आपको भेजने होंगे कोर्ट में इंटरवेंट होने के लिए. आप इंटरवेंट हो सकते हैं, खास करके महाराष्ट्र के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने महाराष्ट्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरवेंट होंगे, वो कोर्ट में उसका वेटेज बढ़ेगा, हमारा मैटर जल्दी इस्टेब्लिश होगा, वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा. तो इसलिए आइए. गूगल पे 5G के अगेंस्ट में हमें याचिका दाखिल हुई है, हमें नंबर मिल चुका, मिलेगा, मगर वो जब बोर्ड पे आएगा तो उसके लिए हमें डिपॉजिट करनी पड़ेगी अमाउंट. तो प्लीज़ 3039391171, IFSC कोड SBIN00107911, गूगल पे नंबर +91909628929202. आर्थिक सहयोग हमें दीजिए. आप सभी को धन्यवाद, मेरी बात सुनने के लिए आप आए, धन्यवाद. तो जाएगा वही बचेगा. नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.